आपकी हमारी वीडियो का टॉपिक इस बात के बारे में है कि अगर आप किसी किस्म के बर्ड खरीद रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा। आप अक्सर ऑनलाइन या मार्केट से बर्ड खरीदते हैं तो अक्सर रुकात आप ऐसा बर्ड ले आते हैं या तो बीमार होता है या बेट के काबिल नहीं होता। तो इस वीडियो में आपको यही बातें बताऊंगा कि आपने बर्ड खरीदते वक्त कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखना है ताकि आपके पास अच्छे से अच्छा बर्ड आए और वो आपके पास आकर ब्रीड करे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बर्ड खरीदने का जो सबसे आम तरीका पाकिस्तानी अपनाया जाता है वो है जाके मार्केट से आप बर्ड खरीद कर ले आते हैं, और दूसरा तरीका है वो है ऑनलाइन यानी फेसबुक के किसी ग्रुप या व्हाट्सएप के ग्रुप से बर्ड खरीदना। तो इस वीडियो में आपको दोनों बातों में तफसील के साथ गाइड करूंगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर हम सबसे पहले मार्केट वाले बर्ड की बात करें तो उसमें जो देखने वाली चीज़ें वो ये होती हैं, क्योंकि बर्ड आपके सामने होता है आप उसे टच करके अपनी आंखों से अच्छी तरह देख सकते हैं और आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके लिए आप जब भी बर्ड खरीदें वो हेल्दी और एक्टिव होना चाहिए। हेल्दी और एक्टिव का अंदाज़ा आपको इस बात से होगा कि आपका जो बर्ड आप खरीदने लगे होंगे वो एक जगह पर सुस्त होकर नहीं बैठा होगा, बल्कि एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाएगा और ज़्यादा एक्टिव भी आपको नज़र आ रहा होगा। और बर्ड खरीदते वक्त जो सबसे अहम बात का आपने ख्याल रखा है वो बर्ड के साइज़ के, चाहे आप लव बर्ड खरीद रहे हैं, चाहे बजट खरीद रहे हैं, या कॉकटेल या कोई भी ऐसा बर्ड जो आपको पसंद है आप खरीद रहे हैं, तो उसका अगर आप देखें साइज़ बाकी से थोड़ा सा बड़ा है तो आप उस बर्ड को रेकमेंड करें वो खरीदें। वो ब्रीड के लिहाज से भी अच्छा होता है, एग्स देता है और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल पाता है, यानी कि जब अंडे दे देता है तो अंडों को अच्छी तरह हैच कर पाता है और जब उसके बच्चे निकल आते हैं तो बच्चों को अच्छे से अच्छी तरीके से फीड कराते हैं और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए साइज़ का काफ़ी ख्याल रखें। और वो जो मेल फीमेल का डिफरेंस है अगर आपको मालूम नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप जिस शॉपकीपर से खरीद रहे हैं तो अगर आप उससे कहते हैं कि मैं मेल फीमेल दरखास्त है तो उसमें आपको कम कर देंगे। और एक बात जो सबसे अहम है कि आपने कभी भी एडल्ट प्लेयर नहीं खरीदना, और ख़ासतौर पर वो प्लेयर नहीं खरीदना जो आपको लोग दिखा रहे हो कि ये ब्रीड कर चुका है या मेरे पास ब्रीड कर रहा है। ऐसा प्लेयर बिल्कुल बेकार होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए आपके पास एक ब्रीडर प्लेयर हो, वो अच्छी से अच्छी आपको ब्रीड दे रहा हो तो क्या आप उसे सेल करेंगे? हरगिज़ भी नहीं। तो इसलिए मार्केट से कभी भी ब्रीडर प्लेयर ना खरीदें, बल्कि बटे खरीदें। बटों को अपने घर लेकर आए, उन्हें अपने घर का आपके माहौल में आदि हो जाए, जब उनकी उम्र ब्रीड करने के काबिल होगी तो तब तक आपका बर्ड आपके घर से अच्छी तरह मालूम उसे हो चुका होगा मैंने यहीं रहना है और यहीं ब्रीड करनी है। तब आप जब उसे मटकी या बॉक्स प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा, इसीलिए हमेशा पट्टे खरीदें। इसके अलावा आपने जो अगर बजीज खरीदने हैं तो बजीज में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बर्ड एक शॉप से बिल्कुल भी नहीं खरीदने। होता क्या है कि एक शॉप पर एक ही ब्रीडर के बर्ड आए होते हैं और उनकी ब्लड लाइन बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी होती है। आपने अगर दो पेयर खरीदने हैं तो एक पेयर एक शॉप से खरीदे, एक पेयर दूसरी शॉप से। जो पहले वाली शॉप से भी है उसका मेल दूसरे जगह से खरीदने वाली फीमेल के साथ और पहले वाले का फीमेल उसके मेल के साथ, यानी कि आपस में इनको आपने क्रॉस में लगाने ताकि एक जगह से एज बर्ड की ब्लड लाइन दूसरे बर्ड की ब्लड लाइन भी चेंज हो और वो आपके पास ब्रीड करे। अगर एक ही पेयर के बच्चे आपके पास होंगे तो उन्होंने क्या ब्रीड करनी है, इसलिए इन बातों को काफ़ी आप मद्देनजर रखा करें। और बर्ड खरीदते वक्त अगर आप थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियोज को दे देंगे और थोड़ा अच्छा बर्ड खरीद कर लाएंगे तो आपको बाद में किसी किस्म का मसला नहीं होगा और आपके पास बर्ड ब्रीड करता रहेगा। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो बातें आपको मैंने समझाई उन बातों की समझ आ गई होगी। और एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं यानी कि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर चले ताकि बर्ड की आने वाली कोई भी मालूमती वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये जो सब्सक्राइब होता है बिल्कुल फ्री में होता है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप हम अगली बात तरफ आएँ तो जो है ऑनलाइन बर्ड, ऑनलाइन बर्ड्स को मार्केटिंग बर्ड से खरीदना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपके पास बर्ड्स की सिर्फ और सिर्फ कुछ तस्वीर और कुछ वीडियोज़ होती हैं जिसके बिना पर आपको बर्ड खरीदना पड़ता है। तो अगर आप ऑनलाइन बर्ड खरीद रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जिससे भी बर्ड खरीदें उसको आप जानते हों। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से बर्ड खरीदें, मैं तो वैसे होलसेल पर बर्ड दे देता हूँ, यानी एक ही शॉपकीपर को देता हूँ, आकर खुद में से लेकर चला जाता हूँ। ऑनलाइन बर्ड खरीदने या बेचने में जो सबसे आम बात पाई जाती है वो ये होती है कि जो दिखता है वही दिखता है, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप कोई अच्छा प्लेयर देख लें जो आपको तस्वीरों में काफ़ी अच्छा लग रहा हो और आपको लगे कि गलत प्लेयर है मेरे पास ब्रीड करेगा, तो ये भी ब्रीड करना मुश्किल है, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो कुछ गुड प्लेयर होते हैं, अगर वो ब्रीड कर रहे हैं तो वो कोई भी सेल नहीं करता। तो हमेशा आप जब भी बर्ड खरीदें तो काफ़ी जगहों पर देख कर खरीदें, काफ़ी ग्रुप में आप देखें जहाँ पर आपको अच्छे रेट में बर्ड मिले वो खरीदें, और ख़ासतौर पर जिसका रेट बाहर लिखा हो यानी कि मैंशन साथ किया हो उसकी बर्ड्स की एज क्वालिटी और सब चीज़ों के साथ आप वो बर्ड खरीदें, क्योंकि जो आपको इनबॉक्स में बुलाते हैं वो आपको कोई और रेट बताते हैं, मुझे कोई और रेट बताते हैं। और इसीलिए मैं ये ज़्यादातर वीडियो जो होती हैं
ये लोगों के खिलाफ बनाकर इस ग्रुप में मिल रहा था, इसलिए यूट्यूब पर कहता हूँ ताकि ये प्लेटफॉर्म में मेरा अपना चैनल है, यहाँ पर कोई नहीं कह सकते कि भाई आप ये बात कर रहे हैं तो हम गलत बात नहीं करते, आपको सच बताते हैं ताकि आपका फ़ायदा होता रहे। तो आपने कभी भी इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ना कि इनबॉक्स में आपको अगर एड या कोई और बता रहा है, बेशक आप दो आई डी से उनसे रब्ता कर लें, एक से अगर आप एक आम आदमी बन के पूछ लें जो पहली बार बर्ड खरीदे तो उसे और रेट मिलेगा, और एक अगर आप बताएंगे मेरे पास पहले भी बर्ड नहीं है तो आपको रेट और बताएगा। इसीलिए हमेशा रेट सुनने वाले और क्वालिटी के मुताबिक बर्ड खरीदे करें, ऐसे बर्ड भी ना खरीदे करें जो बिल्कुल तौर पर बीमार हो गए हों या उनकी हालत ख़राब हो, तो ऐसा बर्ड भी ब्रीड नहीं करता। इसके अलावा अगर आपको बर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का सामना हो या बर्ड आपके पास ब्रीड ना कर रहा हो या कोई भी मसला हो तो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके यानी कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, मैं आपको गाइड कर दिया करूँगा कि क्योंकि हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो भी बर्ड खरीदे उसका फ़ायदा होता रहे और उसका शौक बढ़ता रहे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप वीडियो की आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी, जिस बात की समझ नहीं कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।